हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स आज मेरा फ्रेंड्स देखिए, यहीं पर जो मेरा गोटू कोला जो ब्राह्मी भी कहते हैं, इसका बहुत सारा गुण है फ्रेंड्स। और थानकुनी भी कहते हैं, जिसका पेट का प्रॉब्लम है, ये शाक जो खाएगा तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। ऐसे भी जिसका कमजोर दिमाग वाला है, उसका भी ये शाक का जूस पिलाएगा, ये भी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ऐसे भी ये शाक का बहुत सारा गुण है फ्रेंड्स। ये तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक गार्डन में लगा के रख दिया, देखिए छोटा सा गमला में लगा के रख दिया और कितना सारा हुआ देखिए फ्रेंड्स। और ये बीच बीच में एक काट के यूज़ कीजिएगा तो ये बहुत अच्छा होता है। और इसमें पानी ठीक से दे दीजिएगा। और ऐसे भी उतना कुछ इसमें कीड़ा उड़ा कुछ नहीं, उतना नहीं लगता है और बहुत अच्छा से इसका ग्रो होता है। ऐसे गार्डन में ऐसे गिर के भी ये हो जाता है, इसका सीड्स से हो जाता है, ऐसे इसका रूट से पूरा भर जाता है। देखिए ऐसा करके ये हो जाता है पूरा। और ये देखिए यहीं पर इसका ये सब फ्लावर आ रहे हैं, सीड्स होगा, सीड्स से भी हो जाएगा। तो आज हम थोड़ा हार्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत हो गया उसका, नहीं तो इसका जो पुराना लीफ है वो ख़राब हो जाएगा और हम वो नहीं चाहेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा हम काट लेंगे इसका लीफ। देखिए फ्रेंड्स, फिर ये और अच्छा होगा, जितना बार काटिएगा ये और अच्छा होगा क्योंकि इसका जगह मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा छोटा लीफ हम काट ले रहे हैं। कोई भी सब्जी के साथ मिला के खा सकते हैं फ्रेंड्स। ऐसे भी इसका एक टेस्ट अच्छा है, फ्लेवर बहुत अच्छा है। कोई सूप में डाल दीजिए, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा, अच्छा लगेगा। और इस गर्मी में भी आपका बहुत फायदा होगा। तो जरूर ये शाक रख दीजिएगा आपका गार्डन में, इसलिए आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। मेरे पास बहुत सारा वैरायटी का शाक है फ्रेंड्स, हमको अच्छा लगता है। दिख रहा है ना पूरा लीप एकदम भर गया। ऐसे भी हाथों से ऐसे काट ले सकते हैं, वो भी जल्दी जल्दी होगा। देखिए पर पूरा भरा हुआ है। ये हम एक ही जगह में लगाया, इसका सीड्स गिर के मेरा हर गमला में हो जाएगा। तो हम उठा लेते हैं, नहीं तो ये पूरा जगह ले लेगा। वो जो गमला में जो पौधा है उसका रूट पूरा ये एकदम भर देगा। ठीक से देख लीजिए फ्रेंड्स कैसा साग है, इसका लीप ठीक से देख लीजिए। ये जो ब्राह्मी कहते हैं, थानकुनी भी कहते हैं बंगाली में,
इस गर्मी में इसका सूप बनाइए तो आपका पेट ठंडा रहेगा, गर्मी से राहत मिलेगा। पूरा हम एकदम खाली कर देंगे, देने से फिर नया लीफ आएगा और फिर हम हार्वेस्ट करेंगे। नहीं तो जो छोटा छोटा लीफ है वो बढ़ने में दिक्कत होगा, जगह नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम जो पुराना लीफ है ये पूरा हार्वेस्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम तो यहीं से हार्वेस्ट कर लिया, और चलिए फ्रेंड्स मेरा गार्डन में और कहाँ कहाँ है ऐसे गिर के हो गया, हमको बताया नहीं कहाँ हो जाता है, तो चलिए वहीं से भी थोड़ा हार्वेस्ट करते हैं। यहीं से तो देखिए इतना सारा हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए इधर ये गमला में ये हो गया, ये भी हम आज थोड़ा थोड़ा हार्वेस्ट कर लेंगे, नहीं तो ये गमला पूरा भर जाएगा। देखिए एक ही टुकड़ा यहीं पर गिर गया, वह हो सकता है इसका सीड्स गिर गया तो इससे इतना हो गया। ऐसे सब साग हम ऐसे इसका सीड्स रख देते हैं और उस सीड से पूरा गार्डन मेरा गिर के हो जाता है। आप लोग भी जब साग बड़ा हो जाएगा थोड़ा छोड़ दीजिएगा, उसका सीड्स हो जाएगा तो आपका गार्डन में हर टाइम साग होते रहेगा। देखिए फ्रेंड्स ये सब कुछ हम रख देते हैं उसका सीड्स के लिए। ये देखा ना, ये बथुआ साग ऐसे छोड़ देते हैं और इसका सीड्स हो जाता है और सब गार्डन में पूरा हो जाता है सब कुछ। और ये पार्सलेन भी, ये भी हम छोड़ देते हैं, इसका भी सीड्स हो जाता है तो ये अच्छा लगता है। तो देखा ना फ्रेंड्स यहीं पर भी पूरा भर गया। ये मेरा बोगनवेलिया का गमला है फ्रेंड्स, यहीं पर ये हो गया, यहीं से इसका हटाना पड़ेगा, नहीं तो देख रहे हैं ना फ्रेंड्स पूरा गार्डन एकदम भर जाएगा। ये पूरा गमला एकदम ना भर जाएगा, बोगनवेलिया को खराब कर देगा। फिर भी कुछ दिन के लिए हम छोड़ देते हैं। ऐसे भी हमको साग अच्छा लगता है इसलिए छोड़ देते हैं सब। और जब टाइम आता है सब खाली कर देते हैं। आज मेरा बोगनवेलिया का अच्छा दिन है। तो फ्रेंड्स बहुत सारा साग मिल गया, चलिए फ्रेंड्स
तो फ्रेंड्स देखिए आज हम कितना सारा गोटू कोला थानकुनी हार्वेस्ट किए देखिए फ्रेंड्स। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, और ठीक से देख लीजिए फ्रेंड्स गोटू कोला कैसा होता है, इसका लीफ कैसा होता है, अच्छा से देख लीजिए। और आपका गार्डन में एक गोटू कोला शाक जरूर लगाइएगा, बहुत इजी ग्रो होता है। और तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, हैप्पी गार्डनिंग।